ये ना इमरान खान जो है वो नून लीग के उन लोगों की तरह है जैसे इसहाक डार जो थे, जितने अरसा यहाँ पे रहे बीमार ही रहे। इमरान खान की ये प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान इंशाल्लाह गिरफ्तारी भी देनी पड़ी, इमरान खान सबसे आगे होकर गिरफ्तारी देंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है। तहरीक इंसाफ में इमरान खान ने गोलियां खाई हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए। इमरान खान को स्ट्रेचर पर या एम्बुलेंस पर लेकर आए, हिफाजती जमानत की दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स, कहा जमानत के लिए मुलजिम का पेश होना जरूरी है, जब तक इमरान खान खुद पेश नहीं होंगे कार्रवाई नहीं होगी। इमरान खान के वकील ने कहा वो जख्मी हैं, उनकी जान को खतरा है, अदालत में पेश नहीं हो सकते, समाअत कल तक मुलतवी। फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान अभी अदालत आने को तैयार हैं लेकिन डॉक्टर्स ने रोका है। मेरी गिरफ्तारी और नाअहली के मंसूबे बन रहे हैं, इमरान खान की गैर मुल्की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मुंतखब वज़ीर आज़म की ऑडियो टैप करके बाजवा ने आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी की। साबिक आर्मी चीफ ने मुंतखब हुकूमत को घर भेजने का जुर्म भी कबूल किया। इन सब इंकशाफात के बाद मैं मुतालबा करता हूँ कि इदारा खुद उसकी तहकीकात करे। खिलाड़ी अपने कप्तान के लिए सीसा पिलाई दीवार बन गए, अदालत से दरखास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद कारकुन जमान पार्क पहुंच गए। खवातीन ने हाथों पर अलामती जंजीरें पहन ली, कायद के दिफा के लिए डंडे उठाने का फैसला, कहा इमरान खान हमारी रेड लाइन। एटीसी ने इमरान खान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी, तफसीली फैसला जारी। जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि इमरान खान को कई बार तलब किया लेकिन वो पेश न हुए, जमानत के मामले को गैर मुआयना मुद्दत तक नहीं खींचा जा सकता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला ना होता तो पहली समाअत पर दहशतगर्दी की दफात पर फैसला कर देता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को 22 फरवरी तक फैसले से रोक दिया, तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान की अपील मंजूर, चेयरमैन पीटीआई को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म, 23 फरवरी को जवाब तलब। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए, इमरान खान का जख्म अभी मुकम्मल नहीं भरा, उनकी जिंदगी को खतरात हैं, मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश, बैंकिंग कोर्ट की समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। इमरान खान दहशतगर्द नहीं, हुकूमत इमरान खान को आसमान पर ढूंढ रही है, बाबर अवान के दलाइल। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान के जख्म ठीक नहीं हुए, अदालत में पेश नहीं हो सकते। असद कैसर ने कहा कि गिरफ्तारी की नौबत नहीं आएगी। फैसल चौधरी बोले हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है, इंतजार पैदा करना चाहती है। कैबिनेट ने 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। लग्जरी आइटम पर जीएसटी की शरह को 17% से बढ़ाकर उस पर 25% की ब्रांड सतह पर ले जाने का फैसला किया है। एयर ट्रेवल है वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 20% ऑफ द एयर टिकट, इसलिए सिगरेट एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा जीएसटी की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। शहबाज सरकार आईएमएफ के आगे ढेर, कौमी असेंबली में मिनी बजट पेश, फाइनेंस कमेटी को भेज दिया गया, जीएसटी 18% कर दिया गया, 170 अरब रुपए के नए टैक्स नाफे, सुई से लेकर गाड़ी तक हर चीज महंगी होगी, डब्बे का दूध बिस्किट टॉफियां घी खुर्दनी तेल और चाय की कीमत में इजाफा होगा, साबुन शैंपू और दीगर सामान भी महंगा होगा, सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी का फौरी निफाज, फिजाई टिकट भी महंगा हो गया। हम तो जी इसहाक डार ने कहा मैं रुपए को 200 डॉलर को नीचे लेके आऊंगा, मैं आईएमएफ को सामने ये कर दूंगा, बड़ी बढ़ के मारी, मैं तजर्बाकार हूं। आज ये बताएं कि इन्होंने मुल्क से क्या किया। हमारी जब हुकूमत जो साजिश हुई और जब गिराई गई तो मैंने ये एक चीज बार बार कही कि जो नई हुकूमत आएगी उससे ये मुल्क संभाला नहीं जाएगा। इमरान खान ने मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया, कहते हैं आईएमएफ से मुआहदे के बाद मुल्क ठीक नहीं होगा, अवाम मजीद महंगाई की चक्की में पिसेंगे, हम श्रीलंका की सतह पर आ गए हैं, दिवालिया करीब है, कई बार कह चुके हैं अवामी मैंडेट से हुकूमत लाएं ताकि वो मुश्किल फैसले कर सके, तमाम मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है, पहले ही कहा था चोरों का पलंदा मुल्क संभाल नहीं सकेगा।
हुकूमत ने आईएमएफ को चूना लगा दिया। कौमी असेंबली में 65 अरकान की मौजूदगी में मिनी बजट पेश कर दिया। असेंबली इजलास के लिए 86 अरकान की जरूरत होती है। उधर सेनेट इजलास हंगामा आराई के बाईस मुलतवी हो गया। अपोजिशन अरकान ने मिनी बजट की कॉपियां फाड़ दी। मिनी बजट नामंजूर के नारे। पब्लिक के लिए कोई रिलीफ है नहीं, जो रिलीफ है वो सब कुछ वापस ले रहे हैं और इसको बिल्कुल पाकिस्तान को अंधेरे में डाल दिया है। गरीब आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी ये मुल्क छोड़ के जाएगा अगर उसके पास कुछ पैसा वैसा है तो, वरना तो यहाँ तो मर जाएगा। आईएमएफ से मुआहिदा करके ना हमारे ऊपर एहसान ना करो, हमें वो चीज दो जो आवाम की जरूरत है। सैलरी सब बढ़ नहीं रही और उसके ऊपर जो मुआहिदा हुआ है तो जो कीमतें बढ़ी हैं बिजली की और गैस की, तो आम आदमी तो पिस रहा है। 400 रुपये दिहाड़ी है हमारी, कहां जाए पता है, रोना आ रहा है खुदा की कसम, आटे के लिए लाइन लगी हुई है। मुल्क में महंगाई का तूफान, आवाम हलकान, सस्ता आटा दस्तियाब नहीं, घी चीनी समेत दीगर अशिया महंगी। अलीपुर का मकीन हुकूमत के खिलाफ फट पड़ा, कहा जिंदगी अजीरन हो चुकी है, लोग रो रहे हैं। अदालत ने कानून के मुताबिक चलना है, दबाव में ना लाया जाए वरना दरखास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीनी अदालत केस में रिमांड, कारकर्दगी पर रिपोर्ट तलब, समाप्त मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, गवर्नर की तरफ से तारीख न देने पर हाईकोर्ट से रुजू किया जाएगा। कानूनी टीम को तैयारी की हिदायत। अगर लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबात का हुक्म दिया है तो अमल करें, मुशावरत का कहा है तो बात करें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल के पंजाब इलेक्शन पर रिमार्क्स, इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए गवर्नर से क्यों मुशावरत कर रहा है, कानूनी रास्ता गवर्नर ने लेना है या इलेक्शन कमीशन ने। जस्टिस आयशा मलिक बोली, क्या आईन इंतखाबात से पहले गवर्नर से मुशावरत का पाबंद करता है। मरियम नवाज का दौरा डेरा गाजी खान मुलतवी क्यों हुआ, बोल न्यूज वजूहात सामने ले आया। लीगी कारकुनान के मुमकिन एहतजाज पर दौरा मुलतवी किया गया। सैलाब मुतासर इलाकों में मुकम्मल बहाली न होने पर एहतजाज का खदशा था, मरियम नवाज ने आज दौरा करना था। कोरंगी के रहायशियों के लिए अच्छी खबर, बारिश में हमेशा बंद रहने वाले कोरंगी रोड पर पुल बनाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने टेंडर जारी कर दिया, ब्रिज को मलीर एक्सप्रेसवे और क्रीक एवेन्यू से लिंक किया जाएगा। कोरंगी क्रॉसिंग से कयूमाबाद आने जाने वालों को फायदा होगा। और पीएसएल का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून, आपको वेलकम करते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन इस वक्त बॉल पर जारी है। पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मायानाज तजियाकार पैनलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। आई थिंक वो चेज करना चाह रहे थे, आई थिंक उनको शायद ये लगता है कि उनका चेज करना उनकी स्ट्रेंथ है और अपनी स्ट्रेंथ को उन्होंने बैक किया। तो जिस अंदाज से खेला, दो आउट होने के बाद वो आया, बाबर तो पहले था, दो आउट होने के बाद जब आया तो जब नया बैट्समैन जब आता है विकेट गिरी होती है तो उसके ऊपर प्रेशर और ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, दो साथ खेलने वाले बैट्समैन के ऊपर ज्यादा प्रेशर ये होता है कि कितनी लड़कियां क्राउड में चेयर कर रही हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट शो, सबसे बड़ा पैनल और लेजेंड क्रिकेटर्स, बोल लाया खसूसी नशरियात खेल का जुनून। जमील फारूकी की मेजबानी में रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक के जानदार तज्जिए, सब कुछ एक साथ देखें सिर्फ बोल न्यूज पर। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीएसएल ट्रांसमिशन, सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सोहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।